बेलीपार पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, नकदी समेत बाइक बरामद की गई है। दिलचस्प है कि गिरफ्त में आए बदमाशों में से एक पुलिसकर्मी का बेटा है, जिसका नाम जय गोपाल उर्फ पिंटू यादव है, जबकि दूसरे बदमाश की पहचान सत्यम चौरसिया के तौर पर हुई है। दोनों बेलीपार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आपको बता दें, यह लूट और चोरी की वारदात में सक्रिय थे। बेलीपार पुलिस ने बगहाबीर बाबा मंदिर के पास से बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दरअसल लूट के मामले में वांछित बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार दो युवकों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगे, जिस पर एसआई रविसेन यादव ने कांस्टेबलों के साथ घेराबंदी कर भाग रहे दोनों युवक बाइक से असंतुलित होने से गिर गए। वहीं पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों युवकों को मौके से दबोच लिया। वहीं तलाशी में दोनों बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और नकदी पैसे बरामद किए गए। एसपी साउथ ने बताया कि हैरानी है कि इसमें जय गोपाल उर्फ पिंटू यादव के पिता रामाज्ञा यादव पुलिसकर्मी हैं, जो पड़ोस के जिले महाराजगंज में दीवान हैं, जबकि दूसरा बदमाश सत्यम चौरसिया है। दोनों नई उम्र के बदमाश हैं, जो बाइक पर सवार होकर लूट और छिनती की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 2 थाना बेलीपार में दो अभियुक्त पकड़े गए हैं। ये लूट के अभियुक्त हैं। अभी अगस्त माह में ये मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक मुलजिम जो लूट का वो सामान जो खरीदा था उसे सुनार को जेल भेजा गया था, उसी की वांछित तलाश की ये कर रहे थे। तो रवि सेन है एसआई और दो कांस्टेबल हैं, इनको सूचना मिली थी कि लड़के कुछ ये जो हैं इस तरह के संदिग्ध हैं और लूट के अभियुक्त हैं। इनको रोका गया, पूछा गया इनसे, तो ये बगहाबीर बाबा के पास जब बैरियर लगा के चेकिंग की गई, इसमें दो अभियुक्त जो पकड़े गए उन्होंने स्वीकार किया कि वो उन्होंने जो चोरी जो पहले लूट जो हुई है 294 और 296 क्राइम नंबर लिखा हुआ है, एक में जो कि 5,000 रुपये और कुछ सोने का उसमें कुछ पार्ट गया था और एक चांदी का लूट हुई थी, चांदी की उसमें जंजीर और चांदी का कुछ ब्रेसलेट वगैरह उससे लूट हुई थी। इसमें ये दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं और उन्होंने बताया, स्वीकार किया है और इनको अब और पूछताछ की जा रही है। दो मूल अभियुक्त तो इसी के हैं, दो अपराध, एक जिससे जो इसमें वो पकड़ा गया है जय गोपाल, उसके पास से कट्टा भी बरामद हुआ है, तो उसके भी जो 12 बोर का कट्टा है उस पर अपराध पंजीकृत किया गया है। परिवार के बारे में बहुत कुछ नहीं, व्यापारी करते हैं, हो सकता है कोई व्यापार में लगे हों, लेकिन उसका पूरा डिटेल अभी प्रभारी निरीक्षक से कहा जा रहा है, उसको क्या करते हैं सर? ये कुछ नहीं करते, ये ऐसे ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में संलग्न।